हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बेटा। चलिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी इंग्लिश बुक्स ओपन कीजिए। पीटर्स बैड हैबिट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना? हम लोग इसका जो लैंग्वेज पोर्शन है वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज और है जो मैं आपको बता देती हूँ। एंजल बेटा, ईवीएस कल करवाएंगे, क्योंकि अपना जो सेकंड चैप्टर है इसकी आज लास्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 2 एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है? हाँ, चैप्टर 2, पीटर्स बैड हैबिट्स। आज मैं आपको सिखा रही हूं, आज जो आपकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ समवन या समथिंग। Someone या something, everyone, या no one। देखो बच्चों, someone यानी कि एनी पर्सन, किसी इंसान के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। समथिंग कोई चीज, कोई वस्तु। समवन लिविंग थिंग है और समथिंग नॉन लिविंग थिंग है। एवरीवन हर कोई, और नो वन कोई भी नहीं। समझ में आया? समवन कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। समथिंग कोई वस्तु, एवरीवन हर एक, नो वन कोई नहीं। सो आपको ब्लैंक्स जो हैं, समवन, समथिंग, एवरीवन या नो वन, इनमें से कोई एक वर्ड चुन के फिल करना है, ठीक है? चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज हाइडिंग। हाइड होता है छुपना। ही वॉज हाइडिंग, वह छुप रहा था। डैश इन हीज, अच्छा, वह छुपा रहा था। In his pocket, वह अपने
अपनी पॉकेट में, हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में हाइडिंग, छुपा रहा था। वह अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में कुछ छुपा रहा था। तो पॉकेट के अंदर क्या छुपाएगा वो? कुछ। क्या आएगा? Someone, something, everyone, no one। क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया है, किसी भी वस्तु के लिए पॉकेट में क्या रखेगा? कोई सामान रखेगा ना, कोई चीज रखेगा, तो उसके लिए क्या आएगा? समथिंग। क्या आएगा? समथिंग। सेकंड देखिए, I hear the sound. Dash is knocking. Knocking at the door. At the door. I hear the sound. मुझे आवाज सुनाई दी है. Is knocking at the door. कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, डोर को नॉक कर रहा है। तो कौन करेगा डोर को नॉक? कोई चीज तो कर नहीं सकती है। समवन, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई दरवाजे को बजा रहा है, कोई डोर को नॉक कर रहा है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वाले जो थे उसमें 4 and 5 रिमेनिंग है। ठीक है बेटा, अभी करा दूंगी, अभी सॉल्व करा दूंगी। अभी आप जो मैं एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दिया, एक बार आप ये वाला फिल कर लीजिए, फिर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, थर्ड नंबर, आई सॉ, मैंने देखा। फनी दिस मॉर्निंग, फनी this morning, आज सुबह मैंने कुछ बहुत ही फनी देखा। फोर नंबर, डैश कुड आंसर this question, it was really difficult. Could answer this question. It was very difficult. कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। It was really difficult. क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो कोई भी नहीं, उसके लिए मैंने क्या बताया है? हर कोई के लिए आएगा everyone, और किसी के लिए भी नहीं के लिए क्या आएगा? No one. ठीक है, किसी को भी आंसर नहीं पता था इस क्वेश्चन का। सो नो वन कुड आंसर दिस क्वेश्चन। फाइव नंबर है, हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। किसी ने, तो किसी इंसान ने चुराई होगी ना। So someone has stolen my watch. Will believe your story it is so imaginary.
अब हम फिल करेंगे. He was hiding in his pocket. वो अपनी पॉकेट के अंदर कुछ छुपा रहा था. तो कुछ something. जब किसी चीज की बात आए तो something. जब कभी इंसान की बात आए कि कोई व्यक्ति तो someone. I hear the sound. मुझे आवाज सुनाई दी. Is knocking at the door. कोई इंसान जो है, जो कोई पर्सन है जो डोर को नॉक कर रहा है. सो समवन, समवन, कोई व्यक्ति. ठीक है. आई सा फनी दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने कुछ बहुत ही फनी देखा. आई सा समथिंग फनी दिस मॉर्निंग. Four could answer this question. No one could answer this question. कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया. It was really difficult. ये बहुत ज्यादा मुश्किल था. Has stolen my watch. किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली. So someone has stolen my watch. Will believe your story. Will believe your story. It is so imaginary. आपकी कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा imaginary है, काल्पनिक है. इसलिए आपकी स्टोरी पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा. खुशी शेखावत, खुशी, विल बिलीव योर स्टोरी. आपकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा. सो नो वन बिलीव, विल बिलीव योर स्टोरी. आपकी कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा. क्यों? इट इज सो इमेजनरी. क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज्यादा इमेजनरी है, बहुत काल्पनिक है. ठीक है. अब सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिए. चलिए बच्चों, कल जो एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट सॉल्व करवाई थी उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसमें आपको फ्रेज जो है करेक्ट फ्रेज राइट करके सेंटेंस कंप्लीट करने थे. और उसमें थ्री मैंने बता दिए थे, 1, 2, 3. 4 और 5 नंबर जो है वो शायद अभी बच गया है, तो उसको मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ. ध्यान रखना ये प्रीवियस एक्सरसाइज का है. 2 सेंटेंस जो रिमेनिंग थे जिसमें फ्रेज फिल करकर देखिए. द डॉक्टर सैड, 4 नंबर है ना. द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा यू मस्ट dash smoking smoking if you wish if you wish to live longer if you wish to live longer. The doctor said, doctor ne kaha, you must smoking if you wish to live longer. Agar aap lambe samay jeena chahte ho, to aapko smoking ko kya karna padega? Chhod dena padega. Aur kisi aadat ko chhodne ko kya kaha jata hai?
नेक्स्ट नोट करेंगे डोंट गो नियर द पूल। डोंट गो नियर दिस बुल। बुल के पास मत जाओ, इस बुल के पास मत जाओ। इट इज, ये कैसा है, कैसा है वो। वेरी गुड बेटा तन्वी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रही हो। वेरी गुड। Two men.
ब्रेकफास्ट, बॉट, वॉन्ट, द वेटर, वेटर, आस्क्ड, सर। देखो बच्चों, मैंने जब आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा या एक्सक्लेमेशन, कोई भी मार्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ना ही लास्ट में कोई मार्क लगा हुआ है, मीन ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है वो उनके प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं है, तो हम इन्हें सही जगह पर लेकर के आते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा, इसका आंसर होगा द वेटर सैड, द वेटर सैड आस्क्ड, द वेटर आस्क्ड सर व्हाट डू यू वांट, फॉर ब्रेकफास्ट। सर आपको ब्रेकफास्ट के लिए क्या चाहिए, क्या लेंगे आप ब्रेकफास्ट में, इस तरह से। द वेटर आस्क्ड सर व्हाट डू यू वांट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। मंकी की पिक्चर बनाएंगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।